कहानी कुछ और होती है। वो सही है, बट सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक फर्क आई विल टेल यू। पाकिस्तान आप जब भी टूर्नामेंट सबकॉन्टिनेंट में शुरू करेंगे, अभी देखिए T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल के आए हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया में था, और पाकिस्तान को ना आप ये नहीं कहते कि यार वो अंडरडॉग है, वो तो आउटसाइडर है, वो कहते हैं यार वो तो लेजिटिमेट नंबर चार, टॉप चार में आना चाहिए। अब अगर नहीं आता है तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन अफगानिस्तान आता है तो थोड़ी हैरानी होती है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अफगानिस्तान नहीं, न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीत जाएगी, और पाकिस्तान हो सकता है आखिरी मैच जीत जाए, पर इतने बड़े मार्जिन से क्या जीत पाएगी कि न्यूजीलैंड को डिस्प्लेस कर दे, इट्स अनलाइकली। तो आई मीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेल लेंगे आपस में, मुश्किल है यहाँ पे तो जीतना, तो यार काफी दिक्कत है, और न्यूजीलैंड ही रहेगी मुझे भी लगता है, हमारी तो दिक्कत है। अपडेटेड टैली भी एक बार दिखा देते हैं शोएब भाई, क्योंकि थोड़ा सा टैली में अपडेट भी हुआ है इस पॉइंट्स टेबल में, और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है वो नंबर चार पर है, नंबर पांच पर पाकिस्तान है, क्योंकि इनका पॉजिटिव नेट रन रेट है, एक मैच इन्होंने अफगानिस्तान से भले ही ज्यादा खेला है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है। शोएब भाई से वापस बात करते हैं, शोएब भाई पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड जो अपना मैच है श्रीलंका से वो पहले खेल रही है, पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता होगा जब वो इंग्लैंड से खेलेंगे कि अगर 10-10 पॉइंट पर टाई होना है तो पाकिस्तान को कितने रन से वो मैच जीतना है। क्या इंग्लैंड जिस तरीके की पिटी हुई टीम इस बार इंग्लैंड निकली है, क्या पाकिस्तान वो बिलीव करेगा कि अगर न्यूजीलैंड हरा देता है श्रीलंका को तो भी पाकिस्तान के पास वो चांस है कि वो इंग्लैंड को हरा दे? यार मैं तो कलैप्स देखना चाहता हूँ इंग्लैंड का, 100 पे आउट देखना चाहता हूँ इंग्लैंड। जी इसमें क्या हैरानगी की बात है कि अगर इंडिया 100 पे आउट कर सकता है आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। पाकिस्तान को एक वन लीडर पुश चाहिए, फॉर श्योर चाहिए। अगर 35 में 300 करना है तो करना है, तो खत्म बात, तो करना है, तो फिर तो आपके पास लाइसेंस है नहीं यार, क्या डरने की बात है इसमें, डरने की बात क्या, अपॉर्चुनिटी है। लो जी हमारा मैच पड़ गया जी 35-50 का, नहीं 35 ओवर का। वैसे भी भाई लोगों पाकिस्तान 35 ओवर ही खेलता है ना, सोचो तो सही जरा, अगर 100-125 बॉल डॉट खेलता है तो 35 ओवर ही खेलता है ना जी, 285 तो 35 ओवर में ही करता है ना, उठा के देख लो स्टैट्स। तो पाकिस्तान ने अपना 35 ओवर को बस 35 ओवर समझ के खेले, और उसमें आपको लाइसेंस है, आपके पास टाइम है, आपने मर्जी से खेलना है, बारिश देख लें। ये भी मुमकिन है कि अगर बेंगलुरु में अगर बारिश होगी तो फिर टूर्नामेंट वाइड ओपन है इस वक्त, मुझे तो नहीं पता आप क्या, अल्लाह की बात अल्लाह ही जाने, लेकिन मुझे ये लगता है यार कि वहां पे बारिश के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, और वहां पे शावर्स बड़े जबरदस्त तेज किस्म के होते हैं, और जिस तरह मैच बेचारों का रुका है न्यूजीलैंड वालों का, तो उससे साफ जाहिर हुआ है और प्रेडिक्शन भी है बारिश की। बट लेट्स से श्रीलंका एक मुकाबला तगड़ा करने में कामयाब हो जाती है, लेट्स सी हु नोस यार। ये बाय द वे इनके पास तो पूरा पोटेंशियल है न्यूजीलैंड के ऊपर भी कोलैप्स करने का, पोटेंशियल साउथ अफ्रीका के पास भी पूरा है, और पूरा पोटेंशियल है इंग्लैंड का भी कोलैप्स करने का, पोटेंशियल सबके पास है, और पूरा पोटेंशियल पाकिस्तान का भी कोलैप्स करने का, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो भाई जान हम सारे एक जैसे हैं, तो इसमें दो राय नहीं है, कोई भी किस तरह पहुंच सकता है, लेकिन यार इट्स अनबिलीवेबल अगर वो दो मैच जीतते हैं तो, और पाकिस्तान I don't know, be honest with you, मैं चाहता हूँ यार सही फाइनल इंडिया से हो, इंडिया से जी, पाकिस्तान के लिए, लेकिन इनकी होप्स थोड़ी बढ़ भी गई होंगी ना, जिस तरीके से अभी इन्होंने बनाए, मतलब 400 चेस करने निकले थे, फखर जमान आउट ही नहीं होके दे रहे थे, और वर्ल्ड कप इतना खुला हुआ है शोएब भाई की टीम इंडिया नंबर वन टीम होकर भी सेमीफाइनल के लिए सबसे पहले अपना टिकट कटाकर भी टीम इंडिया को पता नहीं है कि सेमीफाइनल वो मुंबई में खेलने वाले हैं या कोलकाता में खेलने वाले हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया का मैच होता है सेमीफाइनल में, तो ये सेमीफाइनल कोलकाता में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती और कोई और टीम के साथ इंडिया का मैच होता है सेमीफाइनल में, तो वो मैच फिर मुंबई में खेला जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जा सकता है? क्या न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश हो सकती है, या श्रीलंका न्यूजीलैंड को अपसेट कर सकता है, और अपने आखिरी मैच में क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराने की सलाहियत रखता है? इस बारे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।